तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। तो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं गोल्ड फार्म बनवाऊंगा अपने दोस्तों से। हालांकि गोल्ड फार्म बनाना मुझे भी आता है, लेकिन मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत में क्यों करूं। मेरे दोस्त है ना, इन्होंने बोला था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बुलाना। तो भाई, मैं इनसे गोल्ड फार्म बनवाने वाला हूँ और इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गोल्ड फार्म बनाना आता है। लेकिन 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 मैं बता दूं आप सभी को कि गोल्ड फार्म ऐसे ही नहीं बन जाएगा गाइस, क्योंकि मैं तो एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल गोल्ड फार्म बनाता हूं, लेकिन ये लोग अब गोल्ड फार्म बनाएंगे तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों की फरमाइश मुझसे कर दी है। तो वो सारे आइटम भाई मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करने वाले हैं गोल्ड फार्म के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। तो इस मेहनत को देखते हुए आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार, ताकि ज़्यादा ज्यादा भाई लोग हमारा वीडियो देखे। तो मैंने जो मतलब कोबल स्टोन कलेक्ट किया था ना, वो तो सारा का सारा मैंने इनको दे दिया है और इन्होंने बोल भी दिया है कि हाँ ये काफी रहेगा लगभग कोबल स्टोन। तो लेकिन ऑब्सीडियन भी दे दिया है मैंने, बट फिर भी इनको काफी आइटम ऐसा चाहिए जो मेरे पास में है ही नहीं। तो इन्होंने बोला है कि एक तो आप वुड कलेक्ट करो, तो काफी सारे वुड मुझे चाहिए गाइस, ओके। साथ ही साथ बेरी लानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने इनको ये बोला है कि किल चेंबर तुम कैसा बनाओगे, तो इन्होंने बोला कि भाई पिस्टन वाला बनाएंगे। मैंने बोला पिस्टन वाला रहने दो, तुम किल चेंबर बनाओ बेरी वाला। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है चलो बेरी वाला बना देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस, अब देखो बात ये है कि मतलब बेरी ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक आइटम और मुझे बताया है कि आइस ब्लॉक, जो कि आपको मतलब एक तरह से जो बर्फ़ की बायोम होती है ना उसमें मिलेगा, तो वो बकेट में भर जाता है, ऐसा कुछ आइस रहता है वो। मैंने आज तक देखा नहीं, बट ऐसा होता होगा यार गाइस। तो ये बोल रहे हैं कि आप जाओ और वहाँ पर जाके आप लेकर आओ, ठीक है, मतलब सर्वाइव करो, आगे जाके पता चलेगा कि आइस की बायोम कहाँ पे आएगी। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ, इनको पहले पूरा सामान दे देता हूँ ताकि ये तो गोल्ड फार्म बनाना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और मैं निकल जाऊँगा फिर उसके बाद में ये सारे आइटम ढूंढने के लिए। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को ऑब्सीडियन दे दिया है, गोल्ड दे दिया है और इनको ये भी बोल दिया है कि अगर और कुछ आइटम चाहिए तुम्हें तो वो तुम यहाँ से बॉक्स में से ले सकते हो। फिलहाल मैं अभी वुड करने के लिए जा रहा हूँ गाइस, और मैंने इनको जगह भी बता दी है कि भाई यहाँ पे गोल्ड फार्म बनाना स्टार्ट कर दो। तो मेरे दोस्त तो लग जाएंगे काम करने के लिए। फिलहाल अभी मैं यार वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैंने इनसे पूछा कि भाई कितनी की वुड चाहिए, तो भाई इन्होंने कुछ इतनी ज़्यादा वुड की फरमाइश करती, पता नहीं इतनी वुड ये क्या में काम में लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनको अच्छी खासी वुड चाहिए। इन्होंने बोला है कि वुड के हमें 5-6 स्टैक तो चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस मुझे वुड कलेक्ट करने में, ओके। तो जहाँ पे हम लोग गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं ना, वहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया है, एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा दी है मैंने एक्स्ट्रा से, ठीक है, ताकि वहीं की वहीं पे ये लोग काम करते रहे आराम से। हालांकि मैंने नीचे ग्राउंड पे लगाई है क्राफ्टिंग टेबल और बॉक्स, और उसमें ऑब्सीडियन डाल दिया है पूरा का पूरा, बाकी थोड़ी बहुत जैसे कि रेडस्टोन डस्ट ये सब कुछ भी इन्होंने रख दिया है उसमें ही। तो गाइस अभी देखो वुड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा वर्ल्ड में आगे सर्वाइव करने के लिए। एक बात बताऊँ, ये जो मेरे दोस्त है ना, इनको है ना मतलब माइनक्राफ्ट में काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। तो इन्होंने मुझे यार कोऑर्डिनेट्स दे दी है कि इस कोऑर्डिनेट्स पे जाना, वहाँ पे तुम्हें वो मिल जाएगा, मतलब बेरी भी मिल जाएगी और आइस जो मतलब बकेट में आ सकती है वो आइस भी मिल जाएगी, मतलब आइस बायोम इन्होंने बता दिए मुझे कोऑर्डिनेट्स। तो जब ये दोनों बायोम इन्होंने मुझे बताई ना, तो भाई मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी, वो बायोम वहाँ पे है। तो इन्होंने बोला कि हम हर चीज़ पता कर सकते हैं, मतलब उसका एक तरीका होता है, उसमें क्रिएटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक वेबसाइट है उससे हम लोग अपने वर्ल्ड में कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है वो सब कुछ पता कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे कौन सी बायोम है, कितनी कोऑर्डिनेट्स पर है, कहाँ पे विलेज है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो पता। तो गाइस मैंने इनसे ये पूछा मेरे दोस्तों से कि इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी क्या, तो इन्होंने बोला कि नहीं इसमें कोई चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि वर्ल्ड वैसे के वैसे सर्वाइवल पर ही रहता है, बस आप अपने वर्ल्ड का सब कुछ देख सकते हो कि वहाँ पे वो बायोम है, और ऐसा सभी लोग करते भी है। तो भैया हमें तो आज पता चल रहा है कि यार लोग क्या क्या करते हैं, हम तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं भैया। तो मतलब मैं इनकी स्कूल में इनसे ट्यूशन लेने ज़रूर जाऊँगा इस बात का कि मतलब कैसे यार बायोम पता करें, कैसे विलेज पता करें, तो
और भी दिक्कत कम आएगी फिर मुझे, फिर मैं आप लोगों को भी बता दूंगा अगर मुझे आ जाएगा, मैं सीख जाऊंगा तो। ओके, वैसे मेरे भेजे में थोड़ा सा धीरे घुसता है, मतलब जो भी कुछ कोई समझाता है तो। चलो ये रेडस्टोन डस्ट भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ यार, ये लोग बोल रहे थे कि आयरन और रेडस्टोन डस्ट भी यहाँ पे चाहिए। थोड़ा सा खाना वाना भी रख देना बॉक्स में, तो ये मैंने रख दिया है। तो भैया अब देखो मुझे वुड करनी है तो वुड कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद में जाऊँगा जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए ना उस कोऑर्डिनेट्स पर। अब भैया मेरे दोस्तों ने एक और फरमाइश कर दी है कि वुड आप कलेक्ट कर रहे हो ना तो जंगल वुड भी कलेक्ट कर लेना, लेकिन नॉर्मल वुड भी हमें चाहिए। तो भाई अब मैं नॉर्मल वुड ले रहा हूँ, पहले मैं जंगल वुड के पीछे ही लगा हुआ था, अब मुझे पता चल गया है कि इनको सही वाली वुड भी चाहिए। तो देख रहा हूँ मैं ट्री यार मिल जाएंगे वैसे नॉर्मल ट्री भाई, लेकिन इनको अच्छी खासी वुड चाहिए। तो गाइज देखो अभी मैंने थोड़ी बहुत वुड कर ली है इनके लिए, तो मतलब इनका काम तो शुरू हो जाएगा। और मैं जाके इतनी देर ले आता हूँ, जैसे एक तो वो बकेट में आइस भर के ले आता हूँ, साथ ही साथ बेरी ले आता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आके और वुड में कर दूंगा। इनको मैंने ये बोल दिया है, तो इन्होंने कह दिया है कि ठीक है आप जाओ अगर आप चाहते हो तो। तो मैं ये वुड तो रख देता हूँ इनके बॉक्स में, ये रहा बॉक्स। और अभी तक ये लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये वुड मैंने कर दिया है, ये रख देता हूँ। अरे हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है भाई। ओके हो गया भाई, तो अब मैं निकल जाता हूँ यार। तो गाइज यहाँ से मैं जैसे ही निकलने वाला था बेरी और आइस वो ढूंढने के लिए, तो इन्होंने बोला कि एक बार आप बना के चल जाओ थोड़ा सा, और मतलब इसका शुभ मुहूर्त आप ही कर दो। तो वही मैं कर रहा हूँ यार। ठीक है यहाँ पे चैम्बर में बना देता हूँ। अरे भैया और कैसे बनेगा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, कोने इसके तोड़ने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर का ये बना लेंगे। ओके तो ये कम्प्लीट है भाई, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत और ऊपर तक बना देता हूँ, अब इसकी ऊंचाई यही लोग देखेंगे। ठीक है तो गाइस आइस बायोम की जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मुझे दी थी उसका मुझे पता भी करना था कि क्या वो सच में ऐसे होता है या फिर ऐसे ही मतलब फेकालॉजी है। तो यार गाइस अभी तो देखो मैं चले जा रहा हूँ और अभी तक वो कोऑर्डिनेट्स आई नहीं है जो मेरे दोस्तों ने मुझे दी थी, तो देखे चल के आगे देखते हैं। बट भैया मैं सामने देख रहा हूँ कि आइस बायोम आने वाली है यार, ये देखो ये आ गई, और मैं अभी तक उस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचा नहीं हूँ पूरी तरह से। ठीक है लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। तो भाई अब पता चल गया है कि जो ये लोग बताते हैं ना वो सच्ची रहता है बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, अब मुझे लग रहा है कि मतलब जो जो आइटम इन्होंने मुझे बताया है वो मुझे जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ यार मतलब क्या बताऊँ मैं, शॉर्टकट तरीका बता दिया इन्होंने। ये नहीं आती क्या बकेट में यार? ना यार ये तो नहीं आती, इनसे तो गोले जरूर मिल जाते हैं हमें। चलो तो इनसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो बकेट में आएगी नहीं। मेरे दोस्तों ने ये बोला है कि वहाँ पे ऐसे मतलब दिखाई देगा जो ऊपर जमा हुआ रहता है आइस, उसको भर लेना। तो ये तो नहीं आ रही यार बकेट में, कुछ और होता होगा शायद, देखते हैं। तो गाइस मैं उस कोऑर्डिनेट्स पे बिल्कुल फिक्स बराबर पहुंच गया था। उसके बाद में भाई मैंने बहुत ही ट्राई की यहाँ पे मतलब बकेट में आइस भरने की, लेकिन आइस आई नहीं मेरे बकेट में। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप चलते रहिए, जब आपको मतलब आपके कैरेक्टर को सर्दी लगेगी ना किसी जगह, उस जगह समझ जाना कि वो ब्लॉक आपको मिल जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पे चल रहा था, एक जगह मुझे मतलब मेरा कैरेक्टर ऐसे बता दिया, देखो ये ऐसा आ गया था। तो यही मेरे दोस्तों ने बोला था, और भाई उसके बाद मैंने जैसे ही बकेट चलाई तो वो भर गया। ठीक है मतलब देख लो बकेट में आइस आ चुकी है। तो इतनी देर से मैं इसको आइस आइस बोले जा रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है पाउडर आइस बकेट। ठीक है मतलब ऐसे तो इसको पाउडर आइस बोलते हैं, और फिर जब ये बकेट में आ जाती है तो फिर इसका नाम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। खैर चलो जो भी नाम होता है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बकेट में आ चुकी है। अब ये बताए इसका क्या काम रहेगा मैं बता दूं आप लोगों को, जब ये डिस्पेंसर लगाएंगे ना मेरे दोस्त, मैंने उनसे पूछा है, तो डिस्पेंसर में हम तो डालते हैं पानी की बकेट, लेकिन ये लोग ये मतलब ये जो आइस पाउडर है इसका बकेट डालेंगे, बस यही फर्क है। तो इससे शायद मुझे लगता है कि बढ़िया चलेगा यार, गोल्ड फार्म का जो फ्रेम होता है वो ऐसा ही होता होगा यार, और क्या है। तो अभी भाई मैं निकल चुका हूँ वापस घर के लिए, और बाकी जो दूसरी कोऑर्डिनेट्स है वो भी बीच रास्ते में ही पड़ेगी, मतलब बेरी, तो बेरी हमें मिल जाएगी बीच रास्ते में ही। तो चलो चलते जाते हैं हम लोग। देखो बायोम तो वैसे ही चल रही है यार अभी, जिसमें बेरी मिलती है। अब यहाँ पे देखो बेरी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी कोऑर्डिनेट्स पे हमें जाना पड़ेगा। मुझे एक बार तो दूर से देखने पर ऐसा लगा कि बेरी मिल गई, लेकिन असलियत में वहाँ पे बेरी नहीं थी। तो आप लोग भी यही बोल रहे होंगे कि हाँ बायोम तो ऐसी ही होती है और बेरी भी इसमें मिल जाती है, लेकिन यार देखो अभी तक तो नहीं मिली, अभी तक मैं सही कोऑर्डिनेट्स पे नहीं पहुँचा ना यार गाइस, वो भी बात है।
लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस मेरे दोस्तों ने जिस कोऑर्डिनेट्स पे मुझे बेरी बताई थी कि भाई बेरी उस कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल सकती है, तो मैं उसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाने के लिए चलता जा रहा था, लेकिन बीच में भाई बायोम फिर बदल गई, ठीक है। और मुझे यहाँ पे सामने की साइड में, यहाँ पे निकलने के बाद में चेरी सैपलिंग की बायोम दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ये बायोम देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन चलो यहाँ से हमें सैपलिंग मिल जाएगी। अब जैसे कि हमें इस वुड की कभी ज़रूरत पड़ी तो ये दो चार में सैपलिंग ले जाता हूँ यहाँ से, उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो वुड तो मैं कलेक्ट करूँगा नहीं, उससे मेरा बैग फुल हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सैपलिंग ले जाऊँगा सीधी ही, फिर घर पे हम लोग लगाते रहेंगे इनके ट्री और ग्रो कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके नीचे गिर रही है, एक सैपलिंग मिल गई, थोड़ी सी और ले लेते हैं, दो तीन हो जाए, मतलब यार और क्या है, अभी तक एक ही आई है बैग में तो मेरे। चलो यहाँ पे लगे रहते हैं थोड़ी देर। मैं अपने दोस्तों के साथ इस टाइम पे कॉल पे था, तो मैंने उनको बता दिया है कि मतलब उन्होंने बोला कि भाई बेरी मिल गई, तो मैंने बोला कि भाई मैं बीच में रुक गया हूँ, मुझे चेरी सैपलिंग की मतलब बायोम मिली है। तो उन्होंने बोला है चलो उसको भी कलेक्ट कर लो, आपको उसकी वुड भी अगर जैसे कि आने वाले टाइम में काम आएगी तो आपके पास रह जाएगी फिर वो, नहीं तो ऐसे फिर इसको भी ढूंढना पड़ेगा ना यार गाइस, दोबारा इतनी दूर आना पड़ेगा। चलो तो लगे रहते हैं यहाँ पे, अभी तक तो यार एक ही सैपलिंग आई है यार, मैं सोच रहा हूँ कि तीन चार तो आ जाए, क्या सैपलिंग नहीं है क्या इनमें यार, गिरनी तो चाहिए यहाँ पे लेकिन एक भी नहीं गिरी। चलो तीन हो गई, ओके निकलते हैं अब यहाँ से, अब ढूंढता हूँ मैं बेरी, मतलब उस कोऑर्डिनेट्स पे जाता हूँ यार गाइस। यहाँ का एरिया कितना ज़्यादा बढ़िया है यार, देखो आप लोग अगर यहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं तो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ का। इसको मतलब एक तरह से ग्राउंड को प्लान करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना वहाँ पे लगा हमें, मतलब जहाँ पे अपना घर है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है वहाँ पे। तो गाइस चेरी सैपलिंग लेने के बाद में मैं अपने घर पे ही आ गया, मैंने बेरी की कोऑर्डिनेट्स पे मतलब जाना इस टाइम पे ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो लास्ट में काम आएगी। तो मैं यहाँ पे आके देखा ना तो मेरे दोनों दोस्त ऑफलाइन हो चुके थे और वो ये बोले थे कि अभी आते हैं हम लोग, तो अभी देखो वो वापस से ज्वाइन तो हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो अपना गोल्ड फार्म इतना बन चुका है, ठीक है। अभी तो मतलब ये मान लो वो वाटर डालने का जो एरिया होता है ना वो बन के तैयार हुआ है। चलो तो अच्छी बात है, इतना तो कम्प्लीट हुआ, लेकिन अभी तक इसमें नीचे कुछ मतलब तोड़ा फोड़ी होना बाकी है। तो गाइस देखो ऊपर की साइड से यहाँ पे इस तरह का बना है अभी तक, ये हमारा मतलब हमारा किल चैम्बर मान लो इसको, ठीक है। तो मैं बता दूँ आप सभी को कि मैं बेरी नहीं लाया, मैं बीच में से ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे थे कि जो आइस पाउडर है ना उसको आप पहले ले आओ, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें अब पड़ रही है, तो इसलिए मैं बीच में आ गया कि भाई बेरी बाद में ले आएंगे। और बाकी मेरे दोस्तों ने एक बात और बताई कि आप बेरी का किल चैम्बर बनाओगे तो ये जो आइस पाउडर है ना इससे भी ज़ॉम्बी ये वाले किल हो जाते हैं। अब इन्होंने एक बात और बताई कि आप एक काम करो नेदर क्वार्ट्स लेकर आओ। तो मैं भाई नेदर वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मैंने ये एक थोड़ा सा रास्ता बनाया था गाइस फोर्ट्रेस पे जाने के लिए, ओके। क्योंकि फोर्ट्रेस की कोऑर्डिनेट्स है ना ये मेरे दोस्तों ने मतलब वो जो वेबसाइट थी उस पर देख के बता दी कि भाई आपको फोर्ट्रेस यहाँ पर मिलेगी आपके वर्ल्ड में। तो भाई काफ़ी कुछ आसान कर दिया मेरे दोस्तों ने यार मेरे लिए। और देखो यहाँ पे मैं अभी नेदर क्वार्ट्स कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रास्ता मतलब एक तरह से अभी आधा ही बनाया हूँ मैं, और ये रास्ता भाई हमें फोर्ट्रेस तक ले जाएगा, मतलब जब ये पूरा बन जाएगा ना तो मैं उसी कोऑर्डिनेट्स पे ले जाऊँगा ये रास्ता। अब देखो ये रास्ता किस तरह से बनाया है मैंने, एक एक नेदर एक का ब्लॉक लगा लगा के। चलो तो ये वाली मैं कट कर लेता हूँ, यार ये बैग में आ रही है या नीचे जा रही है, चलो हटाओ, यहाँ पे तो सब कुछ कट हो गया पहले ही। ओके तो ये वाली जो नेदर क्वार्ट्स है ये मैं बैग में ले लेता हूँ। इन्होंने बोला है मेरे दोस्तों ने कि ज़्यादा क्वार्ट्स नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए, उसी में काम हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत ले आओ। बाकी थोड़ी बहुत पहले की भी पड़ी हुई थी मेरे पास में, जब मैं यहाँ पे नेदर वर्ल्ड में एंटर हुआ था ना तो थोड़ी बहुत मुझे नेदर क्वार्ट्स मिली थी। तो ऊपर की साइड में भी है, ये भी कट कर लेते हैं गाइस। तो देखो अब जो अपना गोल्ड फार्म है ना ये अगले एपिसोड में ही बनेगा। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मैक्समोर गेमिंग, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो बस उसे फॉलो कर लेना और बाकी वहाँ पे वीडियो देखो यार गाइस। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपके कमेंट का फेसबुक पेज पर भी, ओके, क्योंकि मैं चेक करता हूँ वहाँ पे भी कमेंट।
तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।